गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नैन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो जैसा आपको पता है कि हमारा क्लास चल रहा है इलेक्ट्रिक जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं उसके बारे में जो आज मेरा जो क्लास है वो तीसरा क्लास है। तो आज तीसरे क्लास में मैं आपको बताऊंगी सर्किट ब्रेकर के बारे में। ये भी जो है हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ट्रांसमिशन जनरेशन और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन तीनों में आपको ये चीज पढ़ने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे सर्किट ब्रेकर क्या होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पुराना वाला मैं आपको जो है कवर करूंगी। थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था आपको दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप? तो पहला जो होता है ग्रिड विधि था, एक था रिंगमैन विधि। क्या था पहला? रिंगमैन विधि और दूसरा था ग्रिड विधि। तो रिंगमैन विधि में और ग्रिड विधि में क्या अंतर होता है? तो रिंगमैन विधि में होता है आपका कि कोई दो जो है दो सबस्टेशन से जो है पावर दिया जाता है। एक सबस्टेशन से अगर पावर खराब हो जाए तो हमको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल सकता है, लेकिन अगर दोनों पावर स्टेशन से हमारा सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा? उस टाइम जो है कुछ खराबी आने पे क्या होगा? दोनों बंद करना पड़ेगा। लेकिन ग्रिड मैन विधि, आपका जो ग्रिड विधि होता है उसमें क्या होता है, जो पावर सबस्टेशन होता है उसको तीन या चार, उससे मतलब बोल सकते हैं आप एक से ज्यादा जनरेटिंग स्टेशन से जो है जोड़ा जाता है उसको, और उसके बाद सप्लाई दिया जाता है। अगर आपका मान लीजिए एक तरफ सर्विस लाइन आपका खराब होता है तो दूसरे से आप जो क्या कर सकते हैं, अनइंटरप्टेड सप्लाई जो आप ले सकते हो। तो जो उसके बाद हमारा जो पढ़ना आगे का टॉपिक है वो क्या है, सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले जो है बताते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। आपको सर्किट ब्रेकर सुनकर क्या लग रहा है? सर्किट को जो ब्रेक करेगा मतलब क्या, तोड़े फोड़ेगा? नहीं, सर्किट को जो है कॉन्टेक्ट को खोल देगा। क्या करेगा? कॉन्टेक्ट को खोल देगा। सर्किट ब्रेकर जो है मेनली हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? मेनली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर जो है मेरा, वो जैसा मैंने नाम से बताया आपको कि सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, मेक एंड ब्रेक करेगा। किसको करेगा? सर्किट को। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेक एंड ब्रेक करेगा जब हम लोग पावर का ट्रांसमिशन करते हैं या फिर आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब। तो सर्किट ब्रेकर क्या है बोल सकते हैं? तो एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, आपका जो सप्लाई को वो क्या करता है, बंद करता है। कब बंद करेगा? तो अगर आपका जो अनहेल्दी कंडीशन होगा, मीन्स बोल सकते हैं आपकी कोई भी जब फॉल्ट होगा तो उसके जब उस टाइप का फॉल्ट आपको अवेलेबल किया जाएगा या फिर होगा फॉल्ट, तो उसमें क्या होगा, ये सर्किट ब्रेकर की तरह मदद से ही क्या होगा, सर्किट को क्लोज के मतलब उसका जो है कॉन्टेक्ट खोला जाएगा। कॉन्टेक्ट खोला जाएगा मतलब क्या, वो सप्लाई बंद कर देगा। आप अपने कभी घर पे ये देखा है, एमसीबी देखा है? तो एमसीबी क्या है, एक तरह का सर्किट ब्रेकर ही है। क्या है? एमसीबी एक तरह का सर्किट ब्रेकर है। आपको जो उसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है और मेक करता है। मतलब क्या, कभी कॉन्टेक्ट जुड़ता है, कभी कॉन्टेक्ट खुलता है आपका सर्किट ब्रेकर में। तो आप समझ चुके हैं सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो अनहेल्दी कंडीशन या फॉल्ट कंडीशन में क्या करता है, आपका जो है सप्लाई को बंद कर देता है, जस्ट लाइक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या जिसको आप लोग एमसीबी कहते हैं। मेनली जो है वो सर्किट ब्रेकर वो चार टाइप का होता है, चारों टाइप में अलग अलग है, लेकिन आपके जो सिलेबस में इसमें सिर्फ आपको जानना है कि कितना टाइप का होता है। तो बस आज जो है बताऊंगी आपको, यहाँ मैंने आपके जो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा चार टाइप का मैंने सर्किट ब्रेकर लिख के रखा है। पहला है आपका एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, तीसरा है SF6 सर्किट ब्रेकर और चौथा है आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अच्छा, यहाँ आपको नाम से पता चल रहा है मैंने क्या बताया सर्किट ब्रेकर के बारे में, वैसा चीज जो सर्किट को ब्रेक करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्या होता है सर्किट ब्रेकर, क्या है, एक तरह का जो आर्क, मतलब समझते हो आप लोग जो जो आपका चिंगारी होता है ना, चिंगारी को हम लोग आर्क बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ बोल रहा है कि सर्किट ब्रेकर के जो प्रकार होते हैं वो आर्क को बुझाने वाले माध्यम पर निर्भर करते हैं। तो मैंने जैसे ये बताया इस पर ये बेस्ड है। ये सर्किट ब्रेकर कितने टाइप का होता है? चार टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। तो चारों टाइप का सर्किट ब्रेकर जो हम देख रहे हैं सबका नाम अलग अलग है, एयर है, ऑयल है, SF6 है, वैक्यूम है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपको देखो, पहले हवा के द्वारा, फिर आपका ऑयल के द्वारा, फिर ये जो है गैस के द्वारा, फिर ये क्या है, निर्वात हवा के द्वारा, है ना, निर्वात हवा के द्वारा। तो इसी तरह जो है आप देख सकते हो कि इसी पर डिपेंड करता है, कैसा डिपेंड करेगा, तो ये माध्यम पर डिपेंड करेगा, चाहे वो पानी का माध्यम बन जाए या फिर ऑयल का माध्यम बन जाए, तो उसी माध्यम पे वो काम करेगा। उसके बाद है क्या, ये जो सारे ये जो सर्किट ब्रेकर वो क्या है, एक तरह का स्विचिंग डिवाइस है। क्या है? स्विचिंग डिवाइस है। तो सारा का स्विचिंग जो डिवाइस, जो भी स्विचिंग डिवाइस होता है, सारा का काम करने का तरीका एक ही होता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि लगता कहाँ है। तो लगेगा उसके लोड के अनुसार। मैंने यहाँ पे लिख दिया था, पहले आप क्या देख सकते हो, सारे स्विचिंग डिवाइस
डिवाइस की तरह जो है काम करेंगे एक समान, लेकिन अलग अलग वोल्टेज, लेकिन अलग अलग वोल्टेज और लोड कैपेसिटी के अनुसार, अलग अलग वोल्टेज और लोड कैपेसिटी के अनुसार जो है सर्किट ब्रेकर का उपयोग करेंगे। अलग अलग लोड जहाँ रहेगा, अलग अलग जो है आपका वोल्टेज जहाँ पे जितना वोल्टेज का रहेगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, अलग अलग टाइप का सर्किट ब्रेकर आप देख सकते हो। अब इसको बताने के लिए सर्किट ब्रेकर तो आपने जान लिया कि क्या होता है, चार टाइप का होता है। अब चारों में जो है थोड़ा थोड़ा जानते हैं सबके बारे में कि कहाँ यूज हो रहा है। एयर सर्किट ब्रेकर, नाम एयर सर्किट ब्रेकर पड़ा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आग को क्वेंच किया जाएगा, मीन्स बुझाया जाएगा, किसके थ्रू, हवा के थ्रू, हवा के प्रेशर के थ्रू। आप नाम भी देख सकते हो, एयर सर्किट ब्रेकर मतलब हवा के थ्रू जो है सर्किट और कॉन्टेक्ट जो है। आप देखो अगर सिंपल सा मैं एक फिगर बनाऊ यहाँ पे छोटा सा जो आपको समझने में सुविधा हो। अगर ये वाला मेरा फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, क्या है, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, और ये वाला मूविंग कॉन्टेक्ट है मेरा, मूविंग कॉन्टेक्ट। तो क्या होता है जब ये वर्क करता है सर्किट ब्रेकर, तो क्या होता है इस जगह पे आग पंचिंग होता है, मीन्स क्या आपका जो छिकारी निकलता है तो यही मूविंग कॉन्टेक्ट जो इसके साथ में सड़ जाता है, तो ये क्या होता है सर्किट को क्लोज कर देता है या ओपन कर देता है। ये जो क्या मैंने बताया कि सर्किट को मेक एंड ब्रेक का काम करता है, तो ये क्या करेगा, आर्क पंच करेगा, किसके थ्रू, एयर के थ्रू करेगा, ठीक है। सेकंड में आता है हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसमें क्या होगा मेनली, ये जो मैंने कॉन्टेक्ट यहाँ पे आपको दिखाया है, ये वाला कॉन्टेक्ट पूरा का पूरा जो ऑयल में भरा होगा, मीन्स क्या ऑयल के अंदर ये वाला कॉन्टेक्ट को रखा गया होगा। उस टाइम भी क्या होगा, उस टाइम भी कुछ फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आने के बाद जो चिंगारी निकलेगी, उस चिंगारी से जो है, उस चिंगारी से क्या होगा, जब वह चिंगारी होगा तो उसको बुझाने के लिए इंस्टेंट क्या का यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर है, तो क्या करेगा जो तेल है वो क्या करेगा आग को बुझा देगा, ठीक है। कैसे, जब ये वाला कॉन्टेक्ट मेरा गर्म होगा, यूज होने के बाद, गर्म होने के बाद क्या होगा, ये यूज होगा आपका जो है ऑयल जो है यहाँ का आसपास का ऑयल, वो क्या होगा वाष्पित होने का कोशिश करेगा, मतलब क्या तेल गर्म होने के बाद वाष्प होगा और इस जगह पे ये जो आपका फ्री स्पेस बचेगा यहाँ पे, इसके द्वारा क्या होगा, ये मूविंग कॉन्टेक्ट जो इसमें जाके वो सट जाएगा, ठीक है। तो ये काम करे कैसे करेगा, तो ये ऑयल सर्किट ब्रेकर मतलब क्या है कि तेल में जो है इसको ठंडा किया जाएगा और तेल में रहकर ये क्या करेगा, ये आग को क्वेंच करेगा। थर्ड हमारा है SFC सर्किट ब्रेकर, ये वाला सर्किट ब्रेकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो अभी जो है पावर प्लांट में और आपका जो सब स्टेशन है वहां पे हम लोग यही वाला यूज कर रहे हैं SF6। ये हम लोग का जो है SF6 यूज हो रहा है। SF6 का जो पहले फुल फॉर्म आता है, सबको पहले फुल फॉर्म ही जानते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, क्या होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये क्या एक तरह का गैस है, ये भी यहाँ गैस के थ्रू क्या करेंगे हम लोग आग को क्वेंच करेंगे। हर बार आपको एक ही चीज बताना है सिंपल सा, अगर एक बार आप फंडा जान लो इसका कि सर्किट ब्रेकर करता क्या है, तो वो जो है चिंगारी निकलता है सर्किट ब्रेकर में, वो क्या करता है उस चिंगारी को बुझाता है, वो चाहे किसी के माध्यम से हो सके, हवा के माध्यम से हो सके, निर्वात के माध्यम से हो सके, ऑयल के माध्यम से हो सके, या फिर गैस के माध्यम से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड चल रहा है वो क्या चल रहा है SF6। तो सबसे पहले तो एग्जाम में, नौकरी वाले एग्जाम में हो या फिर आपके ITI के एग्जाम में, सब में यही पहले पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कितने लोगों को नहीं पता है। तो क्या होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है। तो ये वाला जो इसके थ्रू क्या करेगा, गैस को आपका जो है गैस के थ्रू क्या करेगा, आर को क्वेंच करेगा। अच्छा, इसके सबके बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं है कि कहाँ यूज होता है, मतलब किस जगह पे यूज करते हैं, कितना वोल्टेज तक यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगी इस वोल्टेज वाला सोर्स उसके बाद। तो आज जो लास्ट है मेरा, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट आपको जानना है ये चीज, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सर्किट ब्रेकर कितने टाइप का होता है। सर्किट ब्रेकर मेनली चार टाइप के होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, पहला जो आपको दिख रहा है एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा ऑयल सर्किट ब्रेकर, तीसरा SF6 सर्किट ब्रेकर और चौथा दिख रहा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आर्क क्वेंच करेगा लेकिन वैक्यूम के थ्रू। आप देखते हो ना वैक्यूम में कितना प्रेशर होता है इस टाइप का, कि आपका जो है ट्रेन, जब बॉगी और ट्रेन जो होती है उसका जो इंजन होता है वो सटता है, आप देखते हो वैक्यूम के थ्रू सटता है ये, तो कितना ज्यादा प्रेशर हो सकता है। उसी प्रेशर के थ्रू उतना ही आप सोच लो, अज्यूम कर सकते हो कि उतना प्रेशर से क्या करता है, आपको बुझाता है सर्किट ब्रेकर। चलते हैं हमारे आपके स्क्रीन पे जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये टाइप्स ऑफ वोल्टेज जो मैंने लिखा है, टाइप्स ऑफ वोल्टेज ऐसा बोल सकते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने लिखा है। ये क्या है, एक तरह का लेवल है, क्या बोल सकते हैं, लेवल है, वोल्टेज का लेवल है। तो वोल्टेज के लेवल में वोल्टेज को जो है चार भागों में बांटा गया, क्या भागों में बांटा गया, चार भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है वो है लो वोल्टेज,
दूसरा है हाई वोल्टेज और तीसरा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आपको दिख रहा है और चौथा है मीडियम वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने वैसे लिखा है लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि लो वोल्टेज किसको कहेंगे, हाई वोल्टेज किसको कहेंगे, मीडियम वोल्टेज किसको कहेंगे और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको कहेंगे। तो लो वोल्टेज कहेंगे 250 वोल्ट तक, जो तक मेरा जो अब जो मैं बोल रही हूँ उसको बस ध्यान से सुने। लो वोल्टेज किसको बोलेंगे, 250 वोल्ट तक जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, लो वोल्टेज कहलाएगा। सेकेंड है हमारा मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज है 650 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, 650 वोल्ट से कम हो सकता है, 650 वोल्ट हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा आपका, वो मीडियम वोल्टेज की कैटेगरी में आएगा। थर्ड हमारा जो है वो क्या है, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज हम लोग जो है देखते हैं आप जनरली जो है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है जो, तो उसमें कितना तक आप वोल्टेज यूज कर सकते हो, 33,000 वोल्ट से अधिक यूज नहीं हो सकता वहाँ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में। ये आपको हर एक एग्जाम में पूछ सकता है, आपके जॉब वाले रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि वोल्टेज को कितने प्रकार से बांटा गया और कौन कौन सा वोल्टेज कितने तक है। तो पहला है लो वोल्टेज, दूसरा है मीडियम वोल्टेज, तीसरा है हाई वोल्टेज और चौथा है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज कितने तक रहेगा, 250 वोल्ट से अधिक नहीं हो सकता है, मीडियम वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक नहीं हो सकता है, एक्स्ट्रा आपका जो हाई वोल्टेज है वो 33,000 वोल्ट से अधिक नहीं हो सकता है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो है वो 33,000 वोल्ट से अधिक हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, तभी आप जान पाओगे कौन सा वोल्टेज कहाँ पे और किस टाइप का जो जगह पे यूज होता है। अच्छा चलते यहाँ पे दोबारा, ये मैंने बता दिया था कि कहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैंने कम वोल्टेज लिखा या अधिक वोल्टेज लिखा ये आपको जानना था, इसलिए मैंने पहले वोल्टेज वाला सोर्स को बताया कितने तक। तो यहाँ देखिए एयर सर्किट ब्रेकर जो कहाँ यूज होता है, तो लो वोल्टेज में यूज होता है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे तुरंत आ जाएगा लो वोल्टेज क्या होगा, 250 वोल्ट से अधिक नहीं, मतलब वहां पे हम यूज करेंगे कैसा, एयर सर्किट ब्रेकर का। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। दूसरा वाला जो है वॉइस सर्किट ब्रेकर, ये वाला जो है मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों के लिए यूज होता है, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज दोनों के लिए। थर्ड जो हमारा जो मैंने बताया कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये SF6 वाला, वो यूज होता है HV लाइन में। मतलब आपका जो है HV लाइन क्या हो गया, हाई वोल्टेज लाइन में। हाई वोल्टेज लाइन में कितना तक, 33,000 वोल्ट तक इसको यूज कर सकते हैं और 33,000 वोल्ट तक यूज होता है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस एक्चुएटेड आपका जो सर्किट ब्रेकर है, गैस के थ्रू बंद करेगा सर्किट को, ये आपका जो आग को क्वेंच करेगा। उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज था ये 33,000 वोल्ट, ये वैक्यूम जो आपके आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको जानकारी देनी थी कि ये जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी है। सो आज के लिए।